गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम कक्षा 3 का पाठ 6 लालची बंदर। बंदर तो वैसे भी शैतान होता है, तो श्री हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखी यह हास्य कविता लालची बंदर मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। एक समय की बात बताऊँ, कई दिनों का भूखा बंदर खाने को कुछ पा जाने को घूम रहा था इधर उधर। बंदर भूखा था, भूख के मारे वह इधर उधर घूम रहा था। दिया दिखाई उसको सोने, घर में रखा एक घड़ा और घड़ा भी भुने हुए कुरमुरे चनों से भरा पड़ा। उसको फिर एक घर में घड़ा दिखाई दिया और घड़े में क्या थे, भुने हुए चने रखे हुए थे। दोनों हाथ साथ बंदर ने फौरन दिए घड़े में डाल, चने भरी मुट्ठियों को वह लेकिन पाया नहीं निकाल। भूख के मारे उसने क्या करा, दोनों हाथ घड़े में एक साथ डाल दिए। घड़ा बहुत छोटे मुंह का था, हाथ न निकल पाता था और लालची बंदर मल से चना न छोड़ा जाता था। दोनों हाथ उसके घड़े के मुंह में फंस गए। फिर कोशिश करते करते बहुत लग गई उसको देर, बस आ पहुँचे डंडा लेकर घर के मालिक जी शमशेर। इतनी देर में जो घर का मालिक था वो लौट आए। अब खुद सोच तुम ही सकते हो बंदर पर जो कुछ बीती, बच्चों अब तुम बतलाओ बंदर ने क्या गलती की। तो आपको समझ में आया क्या गलती करी बंदर ने? बंदर ने लालच के कारण जो दोनों हाथ घड़े में डाल दिए थे उसके कारण उसके हाथ वहां फंस गए और इसके कारण वो अपने हाथ नहीं निकाल पाया और आखिर उसको न चने मिले और पिटाई भी हो गई। अगर बंदर लालच नहीं करता और एक एक मुट्ठी चने निकालता तो उसको चने भी खाने को मिलते और पिटाई भी नहीं होती। तो हरिवंश राय जी बच्चन द्वारा लिखी इस कविता से हमें क्या सीख मिली कि लालच बुरी बला है, लालच कभी नहीं करना चाहिए। इसी के साथ ये कविता यहाँ ख़त्म होती है, तब तक के लिए बाय।